हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरिद्वार। वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। सबसे पहले आप और आपकी पूरी फैमिली को देवभूमि परिवार की तरफ से बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन आपकी ज़िंदगी में बार बार आए और हर बार आए। माँ गंगा, माँ मनसा देवी, माँ चंडी देवी आप सभी पर कृपा बनाए रखें और आपके जीवन को सफल और सुगम बनाए रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू हो चुकी है। आज की वीडियो में आपको दो पार्ट्स मिलेंगे, 13 जुलाई बुद्ध पूर्णिमा और 14 जुलाई के फर्स्ट सावन के फर्स्ट दिन का। तो अभी जो व्यूज़ आप देख रहे हो, आप देख रहे हैं अभी आज 13 जुलाई बुद्ध पूर्णिमा के दिन का, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन यहाँ पर बहुत ही लाजवाब भीड़ लग रखी है। 14 जुलाई को इसका जस्ट उल्टा आपको देखने को मिलेगा। जो मैंने नहीं सोचा था वो आपको आगे वीडियो में मैं बताता रहूँगा, बट आप 13 जुलाई का दिन के एंजॉय कीजिए यहाँ पर। उसके मैं रीज़न बताऊँगा दोस्तों आपको आगे, दो रीज़न बताऊँगा कि 14 जुलाई की हालत ऐसी क्यों हो गई है आज के दिन पर, ठीक है। तो बाकी अभी इंजॉय आप करिएगा। यहाँ पर शिव भक्त कांवड़िया पहुँच चुके हैं हरिद्वार के अंदर और वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। मैंने उनसे बात करी है, बट ऑफ कैमरा सारे के सारे बात कर रहे थे, कहीं पर वीडियो बनाने की मौका नहीं मिला, क्योंकि हर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। कैमरा घुमाने में टाइम लग रहा था, क्योंकि मेरे पर बड़ा कैमरा था, छोटा कैमरा का जो मेमोरी कार्ड थी वो मैं अपने साथ लेके नहीं आया, जिसकी वजह से दिक्कत हो गई है। तो अभी आप 13 जुलाई का व्यूज़ देख रहे हैं और यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और भक्त लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, गंगा भक्त, शिव भक्त बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। और बाकी जो हर की पौड़ी का मेन रास्ता है उस पर तो बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ लगी हुई है गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त। और बाकी मैं आपको वीडियो बताऊँगा। और ये जो दृश्य देख रहे हैं, इसी दृश्य की वजह से एक कारण ये उस दृश्य का ये भी है कि लोग कहना नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो मैं वो 14 जुलाई का जो व्यूज़ है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, इन लोगों की वजह से ये क्यों हुआ है, ठीक है। तो चलो गाइस, वीडियो में बने रहिए और वीडियो का आनंद लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी कांवड़ की अपडेट मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कांवड़ियों की जो फूलों की जो कांवड़ है वो सारी स्टार्ट हो चुकी है। और अब आप देखने वाले हैं 14 जुलाई का व्यूज़ जो कि जस्ट इसका उल्टा है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका 14 जुलाई 2022 में। और जो अभी आप गंगा किनारे पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर लोगों को पानी में नहाने के लिए भी पानी नहीं है। देख सकते हैं आप कितनी पानी यहाँ पर कम हो चुका है। इसके दो फैक्ट मैंने आपको बताए थे क्यों ये हुआ है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि ये किस कारण यहाँ पर ये क्यों इतना पानी कम कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है गाइस। तो वीडियो बने रहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग बीच में गंगा को आर से पार कर दे रहे हैं, वो भी चल के, क्योंकि यहाँ पर पानी इतना कम कर दिया गया है कि आपको देख सकते हो बच्चा यहाँ पर गंगा को यहाँ से आर पार कर रहा है, वो भी चलकर। तो यहाँ पर पानी कितना कम हो गया है कि बच्चा तक भी नहीं डूब पा रहा है, समझो आप। तो इसका भी कारण है गाइस, वो मैं आपको अब आगे बताऊंगा। बाकी यहाँ पर लोग किस तरह से, यहाँ पर आज कांवड़ियों का जो फर्स्ट सोमवार था वो, उसमें ज़रा थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जो उनका निराश होने का कारण हो सकता है ये, क्योंकि यार यहाँ पर पानी नहीं है तो नहाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो बाकी सारी रेती रेत है, इसकी वजह से यहाँ पर नहाने का बिल्कुल जी नहीं कर रहा है, है ना। तो आप देख रहे हैं ये 14 तारीख का, ये हर की पौड़ी का मेन पॉइंट है जहाँ पर आप ये भीड़ देख रहे हो गाइस। ये देख सकते हो आप, लोग आर से पार हो जा रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन आपने देखा होगा कि लोग बिल्कुल साइड कॉर्नर पे ही नहारे थे, क्योंकि वहाँ पर पानी का स्तर बहुत तेज था, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये मुख्य मंदिर गंगा मंदिर और श्रृंगेरी मठ, यहाँ पर आपके सारे दर्शन कर रहे हैं आप। तो माँ गंगा आप सब पर कृपा बनाए रखें, यही हम माँ गंगा से, माँ मनसा चंडी देवी और सावन के महीने में भोले शिव शंकर से दुआ करते हैं। या ये माँ काली का मंदिर यहाँ पर श्रृंगेरी मठ, ये मेन हार्ट पॉइंट है जिसे कहा जाता है, ठीक है। यही मेन मंदिर है माँ गंगा का, बाकी आप इसके राउंड में देख सकते हो। तो गाइज,
अब मैं आपको यहाँ पर एक कुछ रियलिटी बताता हूँ कि यहाँ पर देखिए पानी कम होने की वजह से कई लोगों का रोजगार चल रहा है। तो यहाँ पर आप इस लड़के को देख रहे होंगे, ये यहाँ पर नीचे से मिट्टी निकाल रहे या रेत निकाल रहे हैं, उसमें जो पैसे बह के आ रहे हैं उनको छान के ये लड़का यहाँ पर पैसे गिन रहा। देख रहे हो आप मटके के अंदर, ये देख सकते हो गाइज आप। तो कईयों की इस पे रोजी रोटी भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि कईयों को फ़ायदा हो रहा तो कईयों को नुकसान भी हो रहा है। जैसे कईयों को नहाने के लिए पानी नहीं हो पा रहा है, दिक्कत हो रही है नहाने के लिए, उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है और इन लोगों के लिए चांदी लग रखी है। पानी कम है तो ये लोग अब देख रहे हैं आप पैसे इकट्ठा कर रहे हैं अपने परिवार को चलाने के लिए या अपने लिए। देख रहे हो आप किस तरह से यहाँ पर पानी को छाना जा रहा है, पानी में मिट्टी को छाना जा रहा है। और अभी हम हैं सेल्फी पॉइंट हर की पौड़ी हरिद्वार में, और यहाँ पर माँ मनसा देवी ऊपर, और इसके जस्ट राइट साइड में हमारी क्लॉक टावर हरिद्वार का, हर की पौड़ी हरिद्वार का क्लॉक टावर। बाकी आज जो मौसम है थोड़ा सा 14 जुलाई का जो है मौसम, आसमान खुल रखा है, गर्मी बहुत भयंकर हो रही है, बादल तो लगे हैं बट बादलों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि धूप खतरनाक वाली लग रही है। मौसम अभी चेंज हो रहा है तो हो सकता है बारिश भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गाइस भीड़ तो बिल्कुल कम हो चुकी है, यहाँ पर भीड़ तो लग भी नहीं रहा कि यहाँ पर आज जो फर्स्ट दिन है सावन का वो इस तरह से होगा। ये देख रहे हैं आप चारों तरफ आपको यहाँ पर खाली खाली दिख रहा है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि यहाँ पर पॉलीथीन, जो भी गंगा भक्त शिव भक्त हरिद्वार में आ रहे हैं, पॉलीथीन का यूज़ आप ज़रूर करें, बट यार इस तरह से ना करें जिस तरह से यहाँ पर हो रखा है। देख रहे हैं आप पॉलीथीन यहाँ पर कितना सारा कूड़ा करकट है यहाँ पर, ये सारी बह के बाद में हवा चलेगी तो ये सारी गंगा में जाएंगी और गंगा को दूषित करेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आज का जो दो कारण थे वो किस वजह से यहाँ पर पानी कम कर दिया गया है हरिद्वार के अंदर। तो सबसे पहला कारण है कि ऊपर जो है बारिश हो रही है, बादल फटने की आशंक, बादल फट रहे हैं जिसकी वजह से पानी का बहाव तेज़ हो रहा है, तो इसकी वजह से वहाँ से रेत बह रही है और यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर गंगा का जो स्तर है उस पर हाई फ्लो हो जा रहा है पानी, तो इसकी वजह से यहाँ पर पानी बंद कर रखा है। और उसका जो पानी का बहाव है वो नील धारा की तरफ, जो मैंने आपको पहले ही बैराज दिखा रखे हैं, उस बैराज से सीधा नील धारा की तरफ उसे निकाला गया है। दूसरा इसका मेन कारण ये भी है कि यहाँ पर जो लोग मैंने आपको वीडियो में आगे बता रहे हैं बीच में गंगा जी में नहा रहे हैं, सूचना मिली है कि वहाँ से कुछ लोग गंगा जी में बह गए हैं, तो उनके जो शरीर थे, उनके जो मृत शरीर थे उनको देखने के लिए, उनकी डेड बॉडी को देखने के लिए ये सर्च ऑपरेशन के जरिए यहाँ पर पानी कम कर दिया गया है। और अब सुनने में आया है कि उनकी डेड बॉडियाँ मिल चुकी हैं, तो आज शाम को लगभग, मतलब रात को अंधेरे में जिस टाइम पे होता, क्योंकि अभी तो खोल नहीं सकते क्योंकि पूरे घाटों में लोग हैं, एकदम से पानी खोलेंगे तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, तो नाइट के टाइम पे जब यहाँ पर कोई नहीं रहता है तो उस टाइम पे थोड़ा पानी को धीरे धीरे करके यहाँ पर फ्लो को बढ़ा दिया जाएगा और कल से फिर यहाँ का पानी सामान्य रूप से बहने लग जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप गंगा में ना बीच में नहाना है, जब तक कि गंगा का फ्लो तेज रहता है तब आप बिल्कुल भी गंगा के बीच में ना जाएं और अपनी लाइफ के साथ रिस्क ना लें। जिस तरह से ये लोग नहाते हैं, गंगा का पानी वैसे ही इस समय बिल्कुल मिट्टी वाला हो रखा, गंदा हो रखा है मिट्टी की वजह से, तो लोग बह भी रहे हैं तो पानी के नीचे उनका गंदे पानी की वजह से उनका पता नहीं लग पा रहा है कि वो कहाँ गए हैं। ठीक है, तो ऐसे सूचना मिली थी प्रशासन को कि उन्होंने कहा था कि यहाँ पर शरीर बह गए हैं, तो किसी की डेड बॉडी ढूंढने के लिए यहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें ताकि उनको हरिद्वार में आने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। और यहाँ पर कांवड़िया लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आ गए हैं और धीरे धीरे करके उनकी बढ़ोतरी भी होती जा रही है। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अगर कांवड़ खरीदना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ कौन लोग हैं जिनसे आप कांवड़ खरीद सकते हैं और आपको कम प्राइस में वहां पर अवेलेबल भी हो जाएगी। तो चलो आज की वीडियो को यहीं करते हैं हम क्लोज, मिलेंगे आपको फिर नेक्स्ट वाली ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
और जय उत्तराखंड।